और चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़े हुए हैं। कुमार, आज नींव को रखा जाएगा, आज भूमि पूजन होगा, क्या तैयारियां हैं बताइए। देखिए, आज बहुत ही विशेष तैयारी है और चूंकि कार्यक्रम बहुत वृहद बनाने की योजना थी, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए इसे काफ़ी रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है और कई सारे सांसदों को वर्चुअली और कई सारे सांसदों को फिजिकली जोड़ने के लिए कहा गया है। जो लोग फिजिकली जोड़ेंगे उसमें प्रधानमंत्री होंगे और भी कई सारे गणमान्य व्यक्ति होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इसमें न्योता दिया गया है। जो कार्यक्रम है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मैसेज एक पढ़ा जाएगा और प्रधानमंत्री खुद जो है यहाँ पे सबको संबोधित करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में ओम बिरला भी जो है अपना एक मैसेज पढ़ेंगे और इन सब के बीच कार्यक्रम को थोड़ा छोटा रखा गया है कोविड की वजह से। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम शुरू होगा और 1:30 बजे ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। करुणा, मैं बताऊं कि पिछली संसद जो थी तकरीबन 46 लाख में उस जमाने में बनी थी और 6 साल में बनकर ये कार्यक्रम पूरा हुआ था, इसलिए और उसके बाद जो तकरीबन 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए नया संसद बनाया जा रहा है। लेकिन फैसला ये भी किया गया है कि पुराने संसद को छेड़ा नहीं जाएगा बल्कि उसे एक मॉन्यूमेंट के तौर पर जो है विकसित किया जाएगा और आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए उसे एक म्यूजियम के तौर पर, एक दर्शनीय स्थल के तौर पर जो है विकसित किया जाएगा। और नए संसद हॉल की अगर बात करें तो बहुत तरह की जो है खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया, जैसा कि आपने बताया भी सिस्मिक 5 जोन में आता है, ये तो भूकंप रोधी है। इसके अलावा जो सांसदों के लिए अलग अलग कक्ष है, हर सांसदों का कक्ष जो है वो बनाया गया है, हालांकि ये संसद से थोड़ा बाहर होगा, इसलिए कोशिश ये की गई है कि श्रम शक्ति भवन से अंडरग्राउंड एक रास्ता हो जो सीधे संसद भवन में जाए और वहां से सांसद आए। इसके अलावा मंत्री, सभी मंत्रियों के बैठने के लिए एक जगह एक कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा उनके सारे कमरे भी एक जगह बनाए गए हैं ताकि संसद की गतिविधियों में जब मंत्री शामिल हो तो उन्हें संसद के अंदर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा वक्त ना लगे। तो कई सारी खूबियां जो है इसमें, और सबसे बड़ी खूबी मैं बताऊं, पूरे बिल्डिंग को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा रहा है। अभी भी संसद भवन में जो पेड़ वगैरह पहले से लगे हुए हैं उन पेड़ों को उखाड़ के सीधे दूसरी जगह लगाया जा रहा है, ट्रांसप्लांट मतलब रीट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो कोशिश ये की जा रही है कि पूरी व्यवस्था को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए और बताया ये जा रहा है कि जब 75 साल हमारे आजादी के पूरे होंगे से लैस होगा और वो सुविधाएं, वो खूबियां जो कि अभी मौजूदा संसद भवन जो कि ब्रिटिश काल का है, जो कि इसमें मौजूद नहीं है, उन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है और यही वजह है कि आकार भी इसका काफी ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।